हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन द लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। इस लेक्चर में हम प्रोटीन सिंथेसिस यानी बॉडी सेल के अंदर प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे तैयार होता है, वो हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, देयर आर टू प्रोसेसेस इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन अगर सेल को तैयार करना है तो दो प्रोसेस उसमें होते हैं। प्रोसेस नंबर वन इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस नंबर टू इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपको दो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जीन्स ऑन द डीएनए आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू एन आरएनए कोड। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग ये है कि डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए से जो डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर तैयार होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और वो आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए, mRNA। डियर स्टूडेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है यह डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डीएनए दिख रहा होगा, इस डीएनए को आप देख सकते हैं, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ये डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो है तैयार होती है। ये यहाँ पर ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये है मैसेंजर आरएनए, यानी ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए के फॉर्म होने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये जितना भी प्रोसेस दिख रहा है प्रोटीन तैयार होने का इस मैसेंजर आरएनए से, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पूरी डिटेल हम देखने जा रहे हैं, आरएनए से डीएनए से आरएनए कैसे तैयार होता है और आरएनए से फिर आगे का प्रोसेस प्रोटीन कैसे तैयार होता है। शॉर्ट में पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डिटेल आपको बताता हूँ। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए है और इससे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आरएनए तैयार हो रहा है। कौन सा वाला आरएनए, मैंने पहले ही आपको बता दिया हूँ, द आरएनए मैसेंजर आरएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, व्हाइल दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। सो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, एंड ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड द टीआरएनए। इट्स डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड। या स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और कैसे होता है ये इसकी डिटेल हम थोड़ा देखते हैं। हेलिकेस एंजाइम्स, एक एंजाइम्स है जिसका नाम हेलिकेस है। इट एक्ट्स ऑन अ रीजन ऑफ द डीएनए टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द बेसिस। या स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से बाइंड करके रखते हैं। तो जब तक उससे वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे तब तक डीएनए से जो है आरएनए तैयार नहीं होगा। तो डीएनए से आरएनए तैयार करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम हेलिकेस एंजाइम है। हेलिकेस एंजाइम इसके बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बॉन्डिंग बराबर से दिख रही है, यहाँ पर भी बराबर से दिख रही है, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर बॉन्डिंग आपको ब्रेक होते हुए दिख रही है। ये किसने किया है ये काम किया है हेलिकेस नाम के एंजाइम ने। ये यहाँ की जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि यहीं से अब जो है सिंगल स्टैंडर्ड तैयार होगा आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। या स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम्स जो है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड की तरफ मूव करता है, और उस एक स्ट्रैंड की जो है बेस पेयरिंग को जो है कॉपी करता है। उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज मैच अप्स द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जो ये एंजाइम है
आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड के बेस पेयरिंग को यानी न्यूक्लियोटाइड को जो है कॉपी करता है, मैच करने की कोशिश करता है। जैसे एडिनाइन की पेयर हमेशा किससे होती है आपको पता है, थायमिन से होती है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल से होती है। और ग्वानिन की पेयर जो है साइटोसिन से होती है, साइटोसिन की पेयर ग्वानिन से होती है। तो इस तरह से ये पेयर को मैच करने की कोशिश करता है। जैसे ये ए जो है इसकी पेयर एमआरएनए में यू से होती है, टी की ए से होती है, जी की सी से होती है, सी की जी से होती है। इस तरह से ये पेयरिंग को मैच करता है आरएनए पॉलीमरेज। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है आपको पहले मैं बताया हूँ, सी मैचेस द जी एंड जी मैचेस द सी, यू मैचेस द ए एंड ए मैचेस द टी। एज द आर एन ए न्यूक्लियोटाइड जॉइंस टुगेदर द प्री एम आर एन ए इज़ फॉर्म। अगर इसको इसकी पेयर यानी डी एन ए पे अगर ये बेस पेयरिंग है या स्टूडेंट्स डी एन ए पे अगर ये बेस पेयरिंग है तो मैसेंजर आर एन ए मैसेंजर आरएनए को तैयार करने वाला आरएनए पॉलीमरेज जो है इसकी मैच इसकी पेयरिंग जो है वो सर्च करके लाता है और बार बार मैच करने की कोशिश करता है। ए के सामने जो है वो यू लेकर आता है तो इनकी पेयरिंग पेयर हो जाती है, टी के सामने ए लेकर आता है तो इनकी पेयर बन जाती है। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो एक स्ट्रैंड डीएनए का है न्यूक्लियस के अंदर वो दूसरा स्ट्रैंड तैयार करने में दूसरा स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम ये काम करके देता है। मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करना यानी उसकी न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करके उसकी बेस पेयरिंग को उसके कोड को एंटीकोड से मैच करने का काम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और डियर स्टूडेंट, यही प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एज द आरएनए न्यूक्लियोटाइड जॉइंट टुगेदर द प्री एमआरएनए इज फॉर्मड एंड द डीएनए बिहाइंड द आरएनए पॉलीमरेज रीजॉइंस इनटू अ डबल हेलिक्स एंड व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस स्टॉप कोडॉन द चेन इज टर्मिनेटेड एंड द प्री एमआरएनए इज डिटैच्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसके न्यूक्लियोटाइड को आहिस्ता आहिस्ता जो आरएनए पॉलीमरेज है एक एक जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को इससे मैच करते जाता है और लास्ट में एक जगह आके स्टॉप कोडॉन मिल जाता है। स्टॉप कोडॉन पर ये प्रोसेस रुक जाता है यानी स्टॉप कोडॉन उसको बोलते हैं जहाँ पर इसकी पेयरिंग मैसेंजर आरएनए जहाँ पर इसकी पेयरिंग जो है नहीं मिलती यानी आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की पेयर मैच करने में फेल हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाता है जिसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई एंटी कोडॉन नहीं होता इस मैसेंजर इस आरएनए पॉलीमरेज के पास। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको स्ट्रैंड ये आरएनए है मैसेंजर आरएनए और इस तरह से ये इस चेन को ब्रेक करने में सक्सेस होता है क्योंकि स्टॉप कोडॉन ये प्रोसेस को रोक देता है। इस तरह से लास्ट में वो डिटैच हो जाता है और एक स्ट्रैंड जो है लास्ट में तैयार हो जाता है और इस तरह से ये जो सिंगल स्ट्रैंड तैयार हुआ इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस का नाम रखा गया है ट्रांसक्रिप्शन। यानी यहाँ पर क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ। एक बार फिर से डायग्रामेटिकली देख लेते हैं स्टेप वाइज। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहली स्टेप आती है, यहाँ पर आपको नंबर वन पे दिख रही होगी, डीएनए हेलिकेसिस ओपन्स अप द जीन्स रीडिंग फ्रेम बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले ही मैं आपको बताया हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए हेलिकेस एंजाइम जो है ब्रेक करता है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों को बाइंड करके रखता है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए हेलिकेस ने ये काम कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद जो है हम देखते हैं कि ब्रेक करने के बाद ये कौन सा काम कर रहा है। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं और डियर स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में ये होता है कि आरएनए पॉलीमरेज रीड्स द कोडिंग स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए और बॉटम स्ट्रैंड एंड कॉपीज द और ट्रांसक्राइब द मैसेज ऑन टू द एन आरएनए और प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो ब्रेक यहाँ पर जो ब्रेक हो गए इसमें से एक कोई भी एक स्ट्रैंड को आरएनए का जो पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है जो एमआरएनए को तैयार करके देता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यहाँ की जो कोडॉन है यानी नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है इसको जो है रीड करता है और रीड करने के बाद इसकी एंटीकोडॉन सर्च करके इसको मैच करने की कोशिश करता है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हूँ। तो
ए की यू से, यू की ए से, सी की जी से, जी की सी से पेयरिंग करता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चालू रहता है। इसको प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल लीव द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को छोड़ देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद जो है न्यूक्लियर एनवलप डबल द मेम्ब्रेन, ये जो है ये न्यूक्लियर इन्वलप है या न्यूक्लियर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्री मैसेंजर आरएनए है, ये जब इसको स्टॉप कोडॉन मिल जाता है तो ये प्री जो है मैसेंजर आरएनए है, ये इस डीएनए के मॉलिक्यूल से डिटेच हो जाता है, अलग हो जाता है, और इस तरह से मैसेंजर आरएनए डीआरएनए डीएनए के मॉलिक्यूल से तैयार होता है। तो सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप में है। हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, आरएनए पॉलीमरेज़ ने रीड करके मैच किया, और स्टॉप कोडॉन के बाद जो है ये चेन जो है स्टॉप हो गई और डिटेच होकर डीएनए के मॉलिक्यूल से सेपरेट होकर इस तरह से न्यूक्लियस से बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करना यानी कॉपी करना। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है परफेक्ट पेयरिंग और वोबल पेयरिंग। परफेक्ट पेयरिंग और वोबल पेयरिंग में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के पास जो एंटीकोडॉन है थ्री की फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में, सॉरी मैसेंजर आरएनए के पास जो कोडॉन है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग है, वो थ्री की फॉर्म में रहती है, ट्रिपलेट की फॉर्म में रहती है। जैसे कि ए जी सी, ये इसमें तीन एंटी कोडॉन आ गए, एडिनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन। तो ये तीनों को, यानी कोई भी तीन जो कोडॉन, कोई भी तीन जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है न्यूक्लियोटाइड में इस मैसेंजर आरएनए पर, उसको कोडॉन वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और उसकी जो पेयर होती है, जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से जो है जिसको मैच करना है प्रोटीन को तैयार करने के लिए, वो उसको बोलते हैं हम एंटीकोडॉन। तो ए का एंटीकोडॉन है यू, जी का है पेयरिंग सी, और सी का है जी। तो कोडॉन की पेयर एंटीकोडॉन से होती है, और जब कोडॉन एंटीकोडॉन से मिलते हैं तो अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन को, 21 अमाइनो एसिड की चेन को ही हम प्रोटीन का मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड इज़ मेड अप ऑफ कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। और कोडॉन कहाँ से आए हैं, अभी हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आए हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने हैं। कोडॉन कहाँ पर रहते हैं, मैसेंजर आरएनए पे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कोडॉन को अब एंटीकोडॉन कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो कहाँ शुरू था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस शुरू था। अब न्यूक्लियस के अंदर से ये कोडॉन का एंटीकोडॉन कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, ये अगर आपको समझना है तो आपको सेकंड स्टेप समझनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपको परफेक्ट पेयरिंग और वोबल पेयरिंग आपको मिलेगी। परफेक्ट पेयरिंग और वोबल पेयरिंग में हम देखेंगे कि अगर प्रोटीन तैयार करते वक्त अगर पेयरिंग परफेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, अगर मैसेंजर आ रहे पे जी यू यू ये पेयर है, तो ये जो आरएनए है ये आपको दिख रहा होगा, ये आरएनए जो है ये ट्रांसफर आरएनए है, और ट्रांसफर आरएनए जो है एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में क्या होता है उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू तैयार हो जाता है, तो आपको पहले ही मैंने बता दिया होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर तैयार होता है ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म ऑन द राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, जिसमें पहली स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुई, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए तैयार हुआ, और उसके पास, आरएनए के पास इसकी कोडॉन की इंफॉर्मेशन है। अब ट्रांसलेशन के लिए इसको न्यूक्लियस से बाहर निकलना है, इट हैज़ टू गो आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इट हैज़ टू रीच ऑन द राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन तैयार होता है राइबोसोम नाम के सेल ऑर्गेनेल पे। तो राइबोसोम पर इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र होना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी ये ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसफर, और लेशन मीन्स लोकेशन। यानी ये अपना कोडॉन जो है, मैसेंजर आरएनए जो है डीएनए न्यूक्लियस से निकलकर, वहाँ से निकलकर ये राइबोसोम पर ट्रांसफ़र होता है,
तो आधा प्रोसेस ये हो गया। और अब अपने पहले ही आपको बताया है वो ये क्या लेकर जा रहा है अपने साथ, ये लेकर जा रहा है कोडॉन। जैसे कोडॉन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी तीन पेयर, कोई भी तीन न्यूक्लियोटाइड की जो है इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती है मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन होते हैं, इसके एंटी कोडॉन जो होते हैं वो होते हैं साइटोप्लाज्म में टीआरएनए के पास, और टीआरएनए उसके एंटी कोडॉन को मैच करने के लिए अभी मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करके किधर गया, वो गया है राइबोसोम पर, और उसकी राइबो इसका मतलब राइबोसोम पर कोडॉन चले गया था। अब एंटी कोडॉन किसके पास है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए के पास। ट्रांसफर आरएनए इस एंटी कोडॉन को कहाँ पर लेके जाएगा, राइबोसोम पर, क्योंकि प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कोडॉन अगर राइबोसोम पर है तो एंटी कोडॉन को भी जो है कहाँ ले जाना है, राइबोसोम के ऊपर ही ले जाना है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए एंटी कोडॉन के साथ राइबोसोम पर जाकर स्टिक हो गया है, क्योंकि राइबोसोम पर आरआरएनए है, और आरआरएनए का काम यह है कि वो मैसेंजर आरएनए को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है, ताकि आरएनए मैसेंजर आरएनए अपने कोडॉन को वहाँ पर जो है एक सेट कर सके, और वहाँ पर टीआरएनए को, टीआरएनए जो एंटीकोडॉन को लेकर आएगा उसको रिसीव करने में एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर आरएनए जो है ये आप देख रहे होंगे, हेयर पिन मॉडल आपको दिख रहे होंगे ट्रांसफर आरएनए की, ये हेयर पिन मॉडल जो है इनके पास एक पार्ट है जहाँ पर एंटीकोडॉन से जॉइंट होते हैं। तो ये एंटीकोडॉन एक के बाद एक के बाद एक जो है एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को मैच करने के लिए लेकर आते हैं। तो अगर ये एंटीकोडॉन परफेक्ट है, यानी जी की पेयरिंग सी से, यू की पेयरिंग ए से, यू की पेयरिंग ए से, इस तरह से, जैसे जी यू यू की पेयर है, एंटीकोडॉन है सी ए ए, तो ये पेयरिंग हो गई एकदम 100% प्रॉपरली, यानी परफेक्ट पेयरिंग इसको हम बोलते हैं। लेकिन प्रोटीन तैयार करते करते डियर स्टूडेंट्स, कुछ पेयर ऐसे हैं जो के पेयरिंग तो करते हैं लेकिन उनकी ये पेयरिंग 100% नहीं होती। जैसे इनकी लास्ट वाला पार्ट आप देखिए, ये 100% करेक्ट नहीं होता, यानी ये पेयरिंग करेक्ट नहीं होती। लेकिन पहले दो जो पेयर है, फर्स्ट एंड सेकंड कोडॉन एंड एंटी कोडॉन जो है ये बराबर होते हैं, लेकिन थर्ड नंबर की पेयर जो है ये परफेक्ट पेयरिंग नहीं होती। तो जो तीनों भी पेयर परफेक्ट है इसको परफेक्ट पेयरिंग बोलते हैं, लेकिन जिसमें लास्ट वाली पेयर जो है वो परफेक्ट नहीं है, यानी ये सही से मैच नहीं हुई है लेकिन पहले दो मैच हुए हैं, तो इसको बोलते हैं वोबल पेयरिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, पे क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखिए कि वोबल पेयरिंग किसको बोलते हैं प्रोटीन तैयार करते वक्त। तो हम यहाँ पर देखें, वोबल पेयरिंग में पहली है जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी। ओके, तो जी का पेयरिंग हमेशा सी से होता है, ये बराबर पेयर है, यू का ए से होता है, ये भी बराबर पेयर, लेकिन सी का जी से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये रॉन्ग पेयर है। लेकिन क्योंकि पहले दो पेयर करेक्ट है इसलिए इसको भी पेयरिंग में गिना जाता है, लेकिन ये पेयरिंग को परफेक्ट पेयरिंग नहीं बोलते, वोबल पेयरिंग बोलते हैं। इसी तरह पहला है जी, फिर है यू, फिर है ए। जी का पेयर सी से, यू का पेयर ए से, लेकिन ए का पेयर यू से होना चाहिए था, यहाँ पर ए का पेयर ए से है, इसका मतलब इसमें भी थर्ड वाला जो पेयर है वो रॉन्ग है, इसको भी हम वोबल पेयरिंग बोलेंगे। उसके बाद जो है जी है, यू है और जी है, तो जी का सी से बराबर है, यू का ए से, ये भी परफेक्ट पेयर है, लेकिन जी का होना चाहिए था सी से, यहाँ पर है ए, इसका मतलब थर्ड वाली पेयर इसमें भी रॉन्ग है। तो ये वाली पेयर, ये वाली पेयर, ये वाली पेयर, इनकी एंटी कोडॉन जो है कोडॉन से परफेक्टली थ्री ऑल थ्री मैच नहीं कर रहे हैं, डैट्स वाई दीज पेयर्स आर कॉल्ड वोबल पेयरिंग। और वोबल पेयरिंग को आपको समझना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वोबल पेयरिंग में आरएनए जो लेकर आता है वो सी ए ए, सी ए ए, सी ए ए, इसको लेकर आता है, यानी तीनों भी इसमें सी ए ए लेकर आता है। अब सी ए ए में पहले वाली पेयर जो है वो तो करेक्ट है, सी का सी ए, सी ए, सी ए, यानी पहले वाली पेयर जी यू, जी यू, जी यू, ये तो करेक्ट है, लेकिन पहले वाले ए के साथ सी जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले ए के साथ ए जुड़ा हुआ है, तीसरे वाले ए के साथ जी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप इसको याद रखने के लिए सी ए जी इस तरह से याद रख सकते हैं कि तीनों पेयर जो है सी ए जी लास्ट में लेकर आती है, यानी ये रॉन्ग पेयरिंग है और इसको बोलते हैं वोबल पेयरिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रख सकते हैं कि
के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते वक्त पेयरिंग परफेक्ट भी हो सकती है और वोबल भी हो सकती है। सो इस तरह से हमने इन शॉर्ट देखा कि ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन, ये दोनों स्टेप होते वक्त कैसे कैसे जो है आरएनए तैयार होता है और आरएनए से किस तरह से वोबल पेयरिंग होती है और परफेक्ट पेयरिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखते हैं डीएनए सीक्वेंस जो है, डीएनए सीक्वेंस इसको रीड करके उसको आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू मैसेंजर आरएनए को तैयार करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डायग्रामेटिकली आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर फिर से डीएनए सीक्वेंस, काउंटर पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए एंड देन आरएनए सीक्वेंस विद द ट्रिपलेट दैट इज कोडॉन। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। आप पहले यहाँ देख रहे होंगे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, एक ऊपर पेयर है एक नीचे सेकंड स्टैंड है। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आरएनए ने इस स्टैंड के जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया और इस आरएनए पॉलीमरेज ने जो है इसके कोडॉन से जो है इसकी इंफॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश की और सिंगल स्टैंडर्ड तैयार करके उसके तीन तीन के जो इंफॉर्मेशन है उसको सेपरेट किया और इस इंफॉर्मेशन को कोडॉन हम बोलते हैं जो 3 की फॉर्म में रहती है और ये कोडॉन से बनते हैं मैं फिर ट्रांसफर आरएनए के थ्रू एंटीकोडॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन की जो डिटेल है वो और ट्रांसलेशन की जो और डिटेल है वो मैं आपको वन बाय वन समझा के देता हूँ।